हाय एवरीवन, वेलकम टू MS एडिटिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे 15 अगस्त पर होने वाला है, यानी काफ़ी ज़्यादा हम वीडियोस बना रहे हैं 15 अगस्त पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे डिमांड हो रही है। सो गाइस, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो यहाँ पे क्रिएटिव टेक्स्ट पर होने वाला है, यानी आपको इंडियन फ्लैग के अंदर क्रिएटिव टेक्स्ट कैसे डिज़ाइन करने हैं। सो गाइस, वो आप काफ़ी ईजिली और आसानी से कर पाओगे अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर। तो कैसे हम ये एडिटिंग करने वाले हैं, सो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा। अगर गाइज आपको ये वीडियो यहाँ पे पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर आपको यहाँ पे कर देना है। और गाइज, अभी तक आप चैनल पर नए हो और चैनल को भी यहाँ पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। सो गाइज, चलते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। हाय गाइज, आपको यहाँ पे पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। सो आपको इंटरफेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सो आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, कोई चार्ज नहीं है। और वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस, इस एप्लीकेशन की मदद से आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव अपने नेम को डिज़ाइन कर सकते हो और काफ़ी अच्छी आप यहाँ पर एडिटिंग भी इसे कर सकते हो। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम यूज़ करेंगे, यानी इस एप्लीकेशन को केवल हम यहाँ पर अपने फॉन्ट जो अपने टेक्स्ट होंगे उनको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करेंगे, और बाकी जो एडिटिंग होगी वो हम अगले किसी दूसरे ऐप में करने वाले हैं। सो पूरी चीज़ सीखने के लिए आपको वीडियो यहाँ पे पूरा वॉच करना पड़ेगा और सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अब आपको क्या करना है गाइस, आपको ये न्यू टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपकी ये ऑप्शन नहीं आता तो आप यहाँ से पेंसिल ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आपको अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिख देना है। सो टेक्स्ट गाइस हम अपना नाम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ये गौरव, हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। अब इसकी साइज़ को भी आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे सेट कर सकते हो। तो इतना चीज़ें आपको यहाँ पे करना है। अगर आपको गाइस ये बैकग्राउंड आपको फ्रेम अगर चेंज करना है तो आपको अलग साइज करनी है तो आप यहाँ पे इमेज साइज पे जाके आप डिफरेंट टाइप में आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर पाओगे। सो इसको हम इतना यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। देन इसको सर्च करने के बाद में पेंसिल ऑप्शन पर हमको ए ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करना है और यहीं से हम गाइस आएंगे यहाँ पे, आपको डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉन्ट पे जाएंगे सबसे पहले। देन फॉन्ट पे आने के बाद में जो गाइस इस एप्लीकेशन के बेसिक फॉन्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉन्ट से आपको किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उसके जो इनबिल्ड फॉन्ट आते हैं वो आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे और इतने अच्छे भी नहीं मिलने वाले, आपको अलग से वहाँ पर फॉन्ट ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हो काफ़ी कमाल के यहाँ पे फॉन्ट्स है। अगर आप इन्हें यूज़ करना चाहते हो तो आप इन्हें भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, वरना मैं क्या कर रखा हूँ, मैं माई फॉन्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे कुछ फॉन्ट में यहाँ पे आपने ऐड कर रखा हूँ। सो काफ़ी अच्छे फॉन्ट्स हैं, सो इनको ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपको इन फॉन्ट्स को डाउनलोड करना है तो आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके उस वेबसाइट पर से इन फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे आपको कुछ फॉन्ट नज़र आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक नीचे वाला फॉन्ट नज़र आ रहा है, केल्विन जेड के नाम से आपको एक फॉन्ट नज़र आ रहा होगा, तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको यहाँ पे डन कर देते हैं। सो इतना आ रहा है तो एक बार और स्पेस देता हूँ यहाँ पे। तो इतना ही हमारे यहाँ पे फॉन्ट आ चुका है, सो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो इसको गाइस हम यहाँ पे रख देते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। देन अगर आपको इसमें कुछ शेडो वगैरह कुछ डालनी तो आप यहाँ पे इसको डाल सकते हो, जैसे शेडो का ऑप्शन है तो शेडो भी आप इसे डाल सकते हो। तो कुछ इस टाइप से मैं, पर ओपेसिटी में थोड़े से कम रखूँगा, शेडो तो डाल लेते हैं हम। इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर राइट डन, और इसके बाद में आता है 3D का, तो यानी 3D टेक्स्ट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से टेक्स्ट आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। एक बार आप ये टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आपके 3D टेक्स्ट यहाँ पे आपके एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप इनको 3D आप इसकी रेंज बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो गाइज ऑलमोस्ट हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, +3 पे या 2 पे हम इसको रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसको 2 पे रखेंगे। देन 2 पे रखने के बाद में आप इसकी डार्कनेस को भी चेंज कर सकते हो, तो डार्क आप कितना रखना चाहते हो, तो हम इसको 30 पे रखेंगे। रोटेशन आप गाइज इसकी कर सकते हो, कितनी आप रोटेशन यहाँ पर करना चाहते हो उतना भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो रोटेशन हम गाइज यहाँ पर बिल्कुल 0 रखेंगे और बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और जेड के टाइप में आप रोटेट भी कर सकते हो, जितना आप यहाँ पे करना चाहते हो वो आप यहाँ चीज़ें कर लीजिएगा। इतना आपको ये करना है। देन ये चीज़ आपके टेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं।
तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने टेक्स्ट डिज़ाइन कर लिए हैं। अब इसको हम गाइस क्या करेंगे, यहाँ से एक बार इसको हम करते हैं राइट डन। तो राइट डन हो चुका है। अब इसके बाद में कोई सी भी चीज़ हम यहाँ पे नहीं करनी है, केवल जो चीज़ करेंगे हम यहाँ पे मिडिल वाले ऑप्शन पे, सॉरी लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। देन ट्रांसपेरेंट करके गाइस इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव इमेज में जाके आपको यहाँ पे PNG फॉर्मेट में आपको इसको PNG करना है। और इसको यहाँ पे आपको कस्टम्स में नहीं, आपको हाई या अल्ट्रा पे आपको जाना है और आपको इसको सेव कर लेना है। अब गाइस इस फॉन्ट को हम यूज़ करेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, जहाँ पे हम इसमें अपने इंडियन फ्लैग के डिज़ाइन डालेंगे जो काफ़ी अच्छा आपको लुक वहाँ पे देने वाला है। सो इसको हम ओपन करते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को। सो गाइस यहाँ पे हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया और इस ब्लैक बैकग्राउंड को भी यहाँ पे ओपन कर लिया है। सो आपको भी कुछ ब्लैक बैकग्राउंड ऐड करना है और देन उसकी बॉर्डर को आपको यहाँ पे वाइट कर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी बैकग्राउंड की साइज़ यहाँ पे कितनी है और आपके टेक्स्ट यहाँ पे ऊपर नीचे ना हो पाए। इतना आपको करना है। देन ऐड पे क्लिक करना है और आपको अपने टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करना है सबसे पहले। देन टेक्स्ट को ऐड करना है, देन टेक्स्ट की साइज़ को आपको यहाँ पे सेट कर देना है और इसको कर देना है आपको राइट क्लिक। गाइज आपको टेक्स्ट को यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, देन ऐड पे आना है और यहाँ से गाइज आपको अपने इंडियन फ्लैग को ऐड कर लेना है। सो इंडियन फ्लैग का लिंक वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या आप गूगल से जाके डायरेक्ट भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको करना क्या होगा गाइज, यहाँ पे सबसे पहले अपने फ्लैग को छोटा करना है यहाँ पे बिल्कुल, और छोटा करने के बाद में इसकी आपका ब्लेंडिंग मोड आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देन मल्टीप्लाई होने के बाद में आपको इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर देना है अच्छे से कि कितना आपका यहाँ पे इंडियन फ्लैग आ रहा है। देन इसकी साइज़ हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। देन इतना हम इसे यहाँ पे रख देते हैं। देन लेयर पे क्लिक करेंगे और एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देंगे। डुप्लीकेट क्रिएट करने के से क्या होगा गाइस, साथ के साथ हमें ब्लेंडिंग मोड हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा और यहीं से एक और हम सेट कर देंगे और यहीं से एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर देंगे और अगेन यहीं से हम एक और सेट कर देंगे। और वही आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना है और आगे की तरफ भी आपको लेके जाना है और इसको भी यहीं से सेट करना है और एक और डुप्लीकेट क्रिएट करना है और इसको भी आगे की तरफ लेके जाना है। और यहाँ से एक और डुप्लीकेट करके इसको भी लास्ट में आपको यहाँ पे सेट कर देना है। इतना सेट करेंगे देन गाइज कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे इंडियन फ्लैग के अंदर टेक्स्ट क्रिएट हो जाएंगे। अब आपको इसको यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। देन राइट क्लिक करने के बाद में गाइज आपको एक और PNGs मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उस PNGs को यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव आप बना सकते हो। तो वो टेक्स्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो गाइज ये कुछ स्टेप्स आपको PNG मिलेगी। देन इसकी आपको साइज को बढ़ाना है और यहाँ पे आपको इसको सेट कर देना है। देन इसको आपको राइट क्लिक कर देना है। सो गाइज एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हो कितने कमाल के और क्रिएटिव आपके टेक्स्ट यहाँ पे एडिट हो चुके हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, आपने सिंपली कुछ देर के अंदर ही कर लिया है। बस आपको समझाने में वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन आप समझ पाओगे तो काफ़ी ईजीली एक या दो मिनट के अंदर इस टेक्स्ट को क्रिएट कर पाओगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, ड्रॉ के अंदर आना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज पर जाके आपको इस टेक्स्ट इमेज को आपको सेव कर लेनी है और आप भी अपने 15 अगस्त पर कुछ इस टाइप के क्रिएटिव टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक कर देना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।